जी 360 में आपका स्वागत है। आज अपन लेके आए एक शानदार सा प्रोजेक्ट, वो भी वैशाली नगर के अंदर। वैशाली नगर में अपन लोकेशन की बात करें तो ऑफिसर कैंपस के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। लोकेशन के अपन ने देख ली, अब अपन बात करें यहाँ पे 40 फीट रोड है फ्रंट की, G+5 की बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार सी। इसके अंदर बात करें तो ओनली 5 ही फ्लैट है और प्रीमियम फ्लैट है 4 BHK के पूरे के पूरे। और इस अंदर एक फ्लोर के ऊपर अपन बात करें तो एक ही फ्लैट है यहाँ पे, और अंदर अपन जाके देखने वाले हैं कितना शानदार सा होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। ये अपनी यहाँ पे पार्किंग हो गई है पूरी की पूरी, और मतलब 5 फ्लैट हैं तो 5 पार्किंग, उससे ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग है। सर्वेंट क्वार्टर भी यहाँ पे दिया गया है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अभी अपन चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, उससे पहले चीजें देख लेते हैं। ये अपना यहाँ पे स्पेस देख लीजिए, कितना शानदार सा स्पेस है। एंट्री गेट के साथ में ग्लास का एंट्री गेट है यहाँ पे, और ये प्रीमियम साइज के और प्रीमियम फ्लैट होने वाले हैं 4 BHK। तो ये अपना एंट्री होगा, एंट्री से ये पहले अपना लिफ्ट एरिया होगा, और ये अपना सीढ़ियों का प्रोविजन होगा। पहले फ्लोर पे आप बताइए, अपन सीढ़ियों के थ्रू चलते हैं और वहां पे क्या होने वाला है वो भी एक बार अपन देखने वाले हैं। इंटीरियर आप देखते रहिएगा, कितना शानदार शानदार सा इंटीरियर आता है, कितना प्यारा सा ऑफिसर कैंपस के अंदर बहुत ही प्यारा सा ये फ्लैट की बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है। भैया आपके आपको फ्लैट दिखाने के बाद में छत का स्पेस भी आपको दिखाने वाले हैं, वहां पे क्या होने वाला। तो अभी अपन आ चुके हैं अपने 4 BHK फ्लैट के अंदर, और कितना शानदार सा होने वाला वो अपन एक बार देखने वाले हैं। तो अभी अपना पहले लिविंग एरिया आ चुका है। लिविंग एरिया में अपन बात करें तो यहाँ पे एल शेप सोफा दिया गया है, वो तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे लुक दिया गया है, बहुत ही शानदार सा इंटीरियर दिया गया है। लाइटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, कितना प्यारा सा लाइटिंग है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। और इसी के अंदर आपको दिया गया है LED, भैया LED भी लगाई गई है, टेम्पल का स्पेस भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कितना शानदार सा लुक के साथ में। तो भैया अभी अपन देखने वाले हैं लिविंग एरिया, देखा लिविंग एरिया के साथ में ही आप देखते रहिएगा कितना शानदार सा यहाँ पे इंटीरियर, कितना प्यारा सा लुक है, कितना शानदार सी चीजें हैं। तो अभी अपन देखिए, ये अपना यहाँ पे हो गया डाइनिंग स्पेस, 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाई गई है बहुत ही प्यारे से लुक के साथ में। भैया कभी कभी देखिएगा जब लाइट सारी बंद करके अपन को क्या कभी नाइट में मोमबत्ती कैंडल डिनर करते हैं ना, तो कैंडल नहीं लाइट डिनर कीजिए, ओनली एक सिंगल लाइट जला के भी आप डिनर कीजिएगा, कैंडल लाइट डिनर कीजिएगा, बहुत ही प्यारे से लुक के अंदर। और बहुत ही शानदार सा यहाँ पे दिया गया आपको क्या भैया, ये रहा अपना यहाँ पे बालकनी, और ये भी बाहर की साइड अपनी 40 फुट रोड को देखते हुए बालकनी है, बहुत ही शानदार से लुक के साथ में आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक है। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं किचन, और किचन भी कितना शानदार सा होने वाला है वो देखते रहिएगा। और ये भी फुल्ली मॉड्यूलर किचन दिया गया है, सिंगल सामान भी आपको कहीं से खरीद के नहीं लाना, सारा सामान यहाँ पे दिया गया है। और ये देखते रहिएगा यहाँ पे अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट चिमनी वगैरह इंटीरियर कितना शानदार सा है। और ये भी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गियर सिस्टम आपको दिया गया, हाइड्रोलिक पूरा यूज किया गया है। सारी एसेसरीज की मैं बात करूं तो सारी सेरा की एसेसरीज यहाँ पे दी गई है। भैया RO भी यहाँ पे लगा के दिया गया है, वो भी आपको बाहर से लाके नहीं लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और भैया यहाँ पे आपको गीजर भी लगा के दिया गया है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई है बहुत ही प्यारे से लुक के साथ में। क्रोकरी आइटम के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसमें आप अपना क्रोकरी आइटम रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज वगैरह आपको लगा के दिया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना है। तो आप बताइए पहले कहाँ चले, मास्टर बेडरूम में चले। मास्टर बेडरूम की अपन साइज की बात करें तो 14x14 के यहाँ पे रूम की साइज है, और बहुत ही शानदार सी रूम की साइज के साथ में 6x6 का बेड लगाया गया है। स्पेस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पे स्पेस है। इंटीरियर आप देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं। भैया AC लगाई गई है हर रूम के अंदर, हॉल के अंदर, तो टोटल यहाँ पे 5 AC होने वाली है। और भैया कभी कभी क्या होता है, ये अपना यहाँ पे अटैच लेट बात हो गया बिग साइज का, क्योंकि अपना मास्टर बेडरूम है और बहुत ही शानदार सी साइज के अंदर ये जो है आपका लेट बाथ यहाँ पे बनाया गया है। और इसके अंदर जो है आपको वार्डरोब वगैरह भी लगा के दी गई है। सारी एसेसरीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेरा की एसेसरीज दी गई है पूरी प्यारी तरीके से, और जैसा मैंने बोला था वार्डरोब लगाई गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी यहाँ पे वार्डरोब वगैरह यहाँ पे रेडी की गई है। तो भैया नहाना धोना हो गया, सब कुछ कर लिया, क्रीम वगैरह ले आए अपन ने, और क्या चाहिए, एक कंघा भी ले आए, सजने संवरने के लिए ग्लास चाहिए, तो ग्लास ये रहा पूरा, इसी के अंदर सारा चीजें आपको रेडी की गई हैं, और एग्जॉस्ट फैन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी तक फ्लैट कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक चीज और बता देता हूँ, इसी फ्लैट के अंदर आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जा रहा है जो नीचे की साइड में है। पूरे 5 फ्लैट के लिए 5 सर्वेंट क्वार्टर भी बनाए गए हैं,
अभी अपन चलने वाले हैं सेकंड रूम की तरफ, और रूम की पहले साइज की बात कर लेते हैं। तो 10x12 की रूम की साइज है, 6x6 का बेड लगाया गया है, और इंटीरियर आप देख रहे हैं कितना शानदार सा इंटीरियर है। यहाँ पे विंडो का ऑप्शन, दोनों तरफ विंडो का ऑप्शन दिया गया है, और बहुत ही चिल्ड माहौल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी एसी अभी ऑन है, और बहुत ही जन्नत का सा यहाँ पे सफर लग रहा है हमें, वीडियो बनाने में बहुत ही मजा सा आ रहा है। तो ये हो गया अपना सेकंड रूम, सेकंड लेट बात सारी अपन यहाँ पे सैनिटरी की बात करें तो सेरा की यहाँ पे सैनिटरी यूज की गई है। इसके अंदर भी वार्डरोब आपको लगा के दी गई है, वुडन वर्क बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे किया गया है, बहुत ही शानदार से लुक के साथ में बहुत ही। और आप बताइएगा क्या इंटीरियर अच्छा लगा या नहीं लगा, फ्लैट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी अपन आगे चलने वाले हैं, वो है अपना थर्ड रूम, वहाँ पे क्या होने वाला है वो भी अपन देखने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ तो 2630 स्क्वायर फीट के अंदर ये जो फ्लैट है वो आपका यहाँ पे रेडी किया गया है। भैया इतनी बड़ी साइज का आपको मेन वैशाली नगर के अंदर ऑफिसर कैंपस के अंदर इतनी बिग साइज का आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। एक फ्लोर पे सिंगल फ्लैट है, टोटल 5 फ्लैट है। तो आ चुके अपन थर्ड रूम की तरफ, यहाँ पे रूम की साइज की बात करें तो 13x11 की रूम की साइज है, 6x6 का बेड लगाया गया है, पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, इन वॉल यहाँ पे वार्डरोब आपको तैयार करके दी गई है, एसी वगैरह फैन लाइटिंग सब चीजें लगाई गई है। भैया कुछ भी नहीं लेके आना है, बस ओनली खाने का सामान लेके आना है, यदि वो भी चाहो तो जोमेटो स्विगी कर सकते हो और आप आके रह सकते हो। इससे ये आ गया अपना थर्ड रूम। तो थर्ड रूम में अपन बात करें तो सारा थर्ड लेट बात के अंदर बात करें तो ये देख लीजिए पूरा इंटीरियर कितना शानदार सा है, बहुत ही प्यारा सा लुक के साथ में रेडी किया गया है, हर चीज यहाँ पे लगाई गई है। और हर एक एक रूम के जो लेट बात की बात करें तो हर का इंटीरियर अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया है ताकि थोड़ा सा आपको अलग लगे हर रूम और बहुत ही प्यारा सा लगे। तो अभी अपन चलने वाले हैं फोर्थ रूम की तरफ, क्योंकि 4BHK तो फोर्थ रूम अभी बाकी है। रूम की साइज की अपन बात करें तो 13x11 की रूम की साइज है, 6x6 का बेड लगाया गया है, ये अपना टीवी कैबिनेट लगाया गया है, इन वॉल वार्डरोब दी गई है, और यहाँ पे विंडो का ऑप्शन दिया गया है। भैया सजना हो सवरना हो सामने अपने जो है वहाँ पे ग्लास का ऑप्शन दिया गया है। बेड के पीछे भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पे इंटीरियर किया गया है, एसी वगैरह आपकी लगाई गई है। जैसा मैंने बोला था कुछ नहीं लाना, स्विगी जोमेटो कीजिए, यहाँ पे आइए रहिए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये अपना हो गया फोर्थ लेट बाथ। यहाँ पे भी देख लीजिए सारी एसेसरीज जो है वो सेरा की यूज की गई है, सारी ब्रांडेड एसेसरीज यूज की गई है। मैंने जैसा बोला था कि हर लेट बाथ का इंटीरियर अलग अलग टाइप से किया गया है, आप देख लीजिए हर चीज को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे इंटीरियर किया गया है। और आगे अपन यहाँ पे देखने वाले हैं क्या प्राइस होने वाली है, क्या साइज होने वाली है। रूम की साइज आपको पता चल चुकी है सारे, और आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से ब्रोकरेज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्डर के नंबर डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। इस चैनल का यही मेन उद्देश्य है कि आप डायरेक्ट जो है बिल्डर से कॉन्टेक्ट करें। इसके अंदर 2630 स्क्वायर फीट के अंदर ये फ्लैट रेडी किया गया है, आस्किंग प्राइस जो है 1.75 CR इसके आस्किंग प्राइस रखी गई है। जैसा मैंने बोला था सर्वेंट क्वार्टर इसके अंदर है, वो जो नीचे दिया गया है वो आप आके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और टेरिस गार्डन अभी बाकी है, वो अपन देखने वाले हैं, उसका थोड़ा सा क्लिप आपको दिया जाएगा, आप देखिएगा कितना शानदार सा है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, भैया वो तो करना आपका काम है ना यार, इतनी मेहनत करते हैं। चलो धन्यवाद, थैंक यू।